आज संपूर्ण रात्र की जो रौनक बनाने वाले बहुत ही अच्छे कलाकार सम्मानी बड़े भैया पंडित श्री अजय अनुरागी जी, आपको और आपके सभी सक्षम कलाकारों को मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है। जय हो। नमन वंदन कर रही हूँ। आदरणीय हम दोनों कलाकारों को सम्मानीय संपूर्ण रात भर आज आपने अपने कंधों पर जो कारभार संभाला है, आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी, आपको भी मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है और इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ एक और बहुत ही अच्छे फनकार जिनके जिनकी उंगलियों का जादू हम दोनों कलाकारों पर चलेगा और संपूर्ण रात्रि अपने साहू साउंड सर्विस की वजह से आप हम दोनों कलाकारों को गर्मा बढ़ाएंगे। आदरणीय साहू साउंड व्यवस्था और इतनी अच्छी डेकोरेशन, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी को हृदय से धन्यवाद है और इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो आइएगा स्वागत की श्रृंखला में और एक और बहुत ही अच्छे व्यक्ति जिनको अभी हमारे विनय भैया और हमारे उद्घोषक महोदय जी ने भी बताया है के एस वीडियो, आदरणीय मिश्रा जी को भी मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हो। धन्यवाद है कि आप आपके दर्शन हमें मिल रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि लगातार मिलते रहेंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आइएगा आज आप हम दोनों कलाकारों के इस मंच के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन दो या तीन दिन में आप हम दोनों कलाकारों को और आप अपनी अपनी छवियों को भी YouTube पर देखेंगे। कैश वीडियो के लिए एक बार हृदय से नमन है और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय बड़े भैया के लिए। बस आप तालियों में कंजूसी ना करें, बकाया चाहे पेमेंट में करते रहें। आइएगा कार्यक्रम की शुरुआत छोटे से मंडल दुर्गेश नंदनी एंड पार्टी राठ हमीरपुर के द्वारा आप लोगों ने सुनी है। माँ भगवती की वंदना भी आप लोगों ने सुनी है। सम्मानीय छोटे से मंडल के संचालक सम्मानीय बड़े भैया विनय कुमार शर्मा जी आपसे और इस विशाल कीर्तन के आप सुंदर से आयोजक हैं सम्मानीय डॉक्टर साहब उमा शंकर मौर्य जी। आदरणीय डॉक्टर साहब आप जहां कहीं भी विराजमान हैं मेरी ओर से आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। जय हो। क्या बात है, आप ही ने हम लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया है। हृदय से नमन कर रही हूं आपको। जय। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, हालांकि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ गाने का प्रयास करती हूँ। आइएगा कार्यक्रम एक नई दिशा दे रही हूँ कार्यक्रम को। जैसा कि कार्यक्रम रखा गया है जवाबी कीर्तन का, जब जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है तो आइएगा जवाबी कीर्तन को लेकर के चल रही हूँ। कहना है आदरणीय अजय भैया जी, प्रथम गीत आपकी सेवा में समर्पित है। Yeah!
ताल मारते हो। आइएगा प्रथम गीत अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। के वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि शम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम गीत को लेकर के चल रही हूँ। अजय भैया जी गीत कह रहा है क्या बेटा क्या? बंबई वालों ने बहुत सुंदर सी धुन निकाली है। कौन सी बेटा कौन सी? और आज कोशिश कर रही हूँ। अरे ये जी चाहता है ये जी चाहता है। क्या चाहता है? ये जी चाहता है ओ मेरे सनम की दो की जगह एक हो जाए हम। तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर। आदरणीय अजय भैया, जिस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली मारने की, जब प्रतिज्ञा कर ली इस गीत की पंक्ति यहीं से शुरू कर रही हूँ। और गीत की पंक्ति ऐसी होगी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि जब तक गीत की पंक्ति स्वयं ना बोले तब तक गाने में आनंद नहीं आता। इसीलिए सीधा गीत को लेकर के चल रही हूँ। जब अभिमन्यु को मार दिया तो जैसे ही सुना और देखा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। जब प्रतिज्ञा कर ली तो इस गीत की पंक्तियां यहीं से शुरू कर रही हूँ। यही सोच
और आज इस सुंदर के कार्यक्रम के सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक शबानिया डॉक्टर साहब, आप आदरणीय डॉक्टर साहब के बड़े भाई साहब हैं, आपके कर्मों से ये बहुमूल्य पुरस्कार 101 रुपए की पद मुद्राएं आशीर्वाद के रूप में प्रदान हो रही हैं। आदरणीय चाचा जी को हृदय से नमन कर रही हूँ। सुनिएगा पंक्तियों को। अर्जुन कह रहा है, यही सोच मैं की अब सामना हो, लेकिन मेरी जिंदगी की है, मेरी जिंदगी की है कहीं सामना। अर्जुन ने सोच लिया कब सामना हो, और जब तक मेरी जिंदगी की शाम ना हो। सुनेगा अब चक्रधर ने ऐसा चक्र है चलाया, भगवान का नैया नहीं, जब चक्र छोड़ दिया तो किसुन चक्र से, किसुन चक्र से सूर्य को है छिपाया हो। इसलिए जब छिपा लिया तो समर में समय कहे, समर में समय कहे चला सर नहीं। और ये 101 रुपए की पद मुद्राएं, क्या बात है। इस सुंदर से कार्यक्रम के आप संयोजक हैं पंडित श्री पंडित मौर्या जी, इस सुंदर से भव्य कार्यक्रम के आप संयोजक हैं पंडित मौर्या जी, आपके कर्तव्यों से ये 101 रुपए की पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, हो समर में समय कहे चला सर रहे हैं, लेकिन सर तो चला रहे हैं, अब आगे हो क्या रहा है। समर में समय कहे चला सर रहे हैं, लेकिन उस सर से, भैया ध्यान देने वाली बात बता रही हूँ, आपका ध्यान चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समर में समय करे चला सर रहे हैं, और उस सर से पुत्र तो मरा, बाण एक ही चलाया बिल्कुल बेटे बिल्कुल, लेकिन उस बाण से पुत्र तो मरा कौन, कौन जयद्रथ हो, पुत्र तो मरा संग में पिता मर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी। पुत्र तो मरा यानी कि जयद्रथ, और साथ में पिता भी मर रहे हैं। जब पिता भी मर रहे हैं, पुत्र तो मरा संग में पिता मर रहे दूसरी बात पे आ जाइए। गया नीर लेने वो सरयू के तीर है, इतनी बेहतरीन ढोलक बजाते हो। सुंदर सुनिएगा, गया नीर लेने वो सरयू के तीर है, जिस समय माता पिता को प्यास लगी और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए जैसे ही सरयू नदी के किनारे पहुंचे, और जब पहुंचे तो हुआ क्या, क्या समझते रहिए। गया नीर लेने वो
से ही झलक पड़ी तो शब्द बेदी शब्द सुनकर छोड़ दिया तीर है। जब तीर को छोड़ दिया तो कहना है क्या रहे सोच में हम पानी लेकर के आ जाते हैं श्रवण के माता पिता अंधी और अंधा के पास कहा मुनिवर पानी पी लीजिए। मुनिवर पहचान गए पूछा कौन हो अपना परिचय दिया राजा दशरथ ने। जब परिचय दिया तो कहना पड़ा रहे सोच में हम से अभागे सह ना सके ये सह ना सके ये सह ना सके ये प्राण सोच के है त्यागे। जब सारा हाल सुनाया महाराज दशरथ ने क्या आपका पुत्र मेरे बाण के धोखे से मारा गया तो जब उन्होंने सुना तो कहने लगते हैं क्या बेटे क्या सुना तो कहने लगते हैं क्रोध में आ जाते हैं और महाराज दशरथ को श्राप दे देते हैं। क्या कहा कैसी जिंदगी मैं ये अवसर रहे कैसी जिंदगी मैं ये अवसर रहे हैं। अजय भैया पुत्र तो मरा डॉक्टर साहब पुत्र तो मरा माता पिता मर रहे हैं। तीर एक है उस तीर से मृत्यु हुई श्रवण की लेकिन जब सुना अंधी और अंधा ने तो साथ में पुत्र तो मरा लेकिन चिंता के मारे श्रवण के माता और पिता दोनों की जान चली गई। जय जय कहना पड़ा पुत्र तो मरा माता पिता मर रहे राजा सूरसेन के पुत्रों ने एक मीन अर्थात मछली को डाल दिया और जब डाल दिया तो तपस्या से जागे क्रोध में आकर के राजा को श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो उसके पहले कहना है अगर आप लोगों के पुरस्कार जो आ रहे हैं क्योंकि सामने यहाँ पर हमारे कैश भैया बैठे हुए हैं और ये मेरा प्रथम चक्र है जो भी आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है अपने गीत के अंत में मैं आप सभी लोगों के जो पुरस्कार हैं आशीर्वाद हैं सभी लोगों के बहुत अच्छी तरीके से बोल दूंगी क्योंकि अगर बीच में हम बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा साथ में कैश भैया का भी डिस्टर्ब होगा और थोड़ी रौनक कम हो जाती है। सुनिएगा अंतिम पंक्ति सुनिएगा निकली है मीन जब क्या बात है नागर जी बहुत सुंदर सुनिएगा जब मीन को डाल दिया अच्युमन के लिए जैसे ही जल निकाला और जब निकाला देखो कि मीन डली हुई है तो ऋषिवर क्रोध में आ जाते हैं। जब आ गए तो निकली है मीन
जब मंडल के जल में निकली है मीन, जब मंडल के जल से तो ऋषिवर देखते क्या है, ओ नजर से निहारा तो, नजर से निहारा तो नयन गए जल से। जैसे ही देखा क्रोध में आ गए, क्रोध में आ गए तो क्या होगा, नहीं आज तो निश्चय श्राप दे दिया कि हे राजन नहीं आज तो निश्चय कल ही मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, क्या बेटा क्या, जिसने किया फल का, जिसने किया है उसका फल ये मिलेगा। तो जब फल ये मिलेगा तो कहना पड़ा, करनी करी है जैसी राजन तुम्हारे पुत्रों ने, हो करनी करी है जैसी वही भर रहे। सुनिएगा, करनी करी है जैसी वही भर रहे हैं। यहाँ पर पुनः वही पंक्ति, जब करनी करी ऐसी वही भर रहे हैं। लेकिन आदरणीय अजय भैया सुनिएगा, सुनो सुनो, मुझे पता है आप क्या खुसर खुसर कर, सुनिएगा। पहली बात, पुत्र तो मरा संग में पिता मर रहे हैं। दूसरी पंक्ति आ जाती है, पुत्र तो मरा माता पिता मर रहे हैं। तीसरी पंक्ति को लेकर के चल रही हूँ, करनी करी है जैसी वही भर रहे हैं। यहाँ पर एक पुत्र तो मरा, क्योंकि पुत्र तो मरा पिता तो मरा, तीनों पुत्र मर रहे हैं। है समझने वाले सभी समझ गए, हमें याद है यहाँ पर राजा सूरसेन के साथ तीनों पुत्रों को भी मार दिया। जब श्राप के कारण तीनों पुत्र मर गए तो कहना पड़ा, ओ करनी करी है जैसी वही भर रहे हैं। ओ पिता तो मरा तीनों पुत्र मर रहे हैं। पिता तो मरा तीनों पुत्र मर रहे हैं, पुत्र तो मरा माता पिता मर रहे हैं, पुत्र तो मरा सब में पिता मर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश नंदनी एंड कंपनी को, इतने अच्छे से कार्यक्रम की प्रस्तुति की। और हम हमारे जो भी श्रोता बंद हुए जो पीछे खड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आगे कुर्सियां खाली हैं, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। ये व्यवस्था, ये एक ऐतिहासिक कीर्तन का कार्यक्रम है, शायद इस मौर्य परिवार में प्रथम बार हो रहा है, इस मौर्य परिवार उत्तरा गौरी में प्रथम बार हो रहा है। धन्य है, चूंकि अपने बेटा बेटी की शादी तो सब कर लेते हैं, लेकिन ऐसे माँ पार्वती का भंडारा शायद ही कोई करता है। और इस भंडारे में अगर कीर्तन आ जाए तो चार चांद लग जाए। ऐसा कार्यक्रम हमारे डॉक्टर उमा शंकर मौर्या
रामशंकर मौर्य, हरिशंकर मौर्य, डॉक्टर रविशंकर मौर्य, पंडित मौर्य और पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर के और बाबा जी देवी शंकर मौर्य जी जिन्होंने अपना दिन भर केवल साधुओं को बुलाने में लगा दिया, कितना अच्छा कार्यक्रम करवाया, कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अजय अनुरागी जी आपसे चाहते हैं कि आप भी अपना ताल चाल सब संभालें। और इसके बाद ये अजय अनुरागी के इस कार्यक्रम के बाद समय निश्चित किया जाएगा और दोनों कंपनियों दोनों टीमों से चाहूंगा कि अपने समय का विशेष तौर से ध्यान देंगे और कार्यक्रम को आगे संचालित करते रहेंगे। इसके बाद कार्यक्रम अजय अनुरागी रायबरेली। धन्यवाद। दुर्गेश नंदनी जी एक बात कहे। हाँ बिल्कुल बोलो, इसीलिए बुलाए गए हो। बुरा तो नहीं मानेंगी आप? हाँ ना ना, ऐसी बात क्यों करो, पहले ही चक्र से आप हमें फंसा रही हैं। कारण ये है कि आपने जो गीत गाया है विनय भैया, समझ सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। गीत कैसा है ये जो गीत आपने गाया है? हफ्ता 15 दिन महीने भर में वो लिखा जाता है, लेकिन जब आप 15 मिनट में देना है, दीपू भैया सोचिएगा कितना मजबूत गीत है। और क्या, फंसने का प्रयास, आप फंसाने का प्रयास कर रही हैं, आप फंसाती रहिए, फंसा नहीं पाओगी। गीत आपने गाया है आपकी कह रही है, आपने कहा क्या, ये जी चाहता है क्या समर में
संभल कर चला सर रहे हैं। पुत्र तो मरा संग में पिता मर रहे हैं। और फिर पुत्र तो मरा संग में माता पिता मर रहे हैं। और फिर एक वचन से पुत्र हो गए दुई वचन यानी तीन। और पिता तो एक ही है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे बजरंग बली बाबा हैं जिनके तीन पिता हैं। बिल्कुल मजबूत बात है नंदिनी जी, मजबूत बात है। लेकिन मंच पर इसका जितना करीब से प्रयास हो सकता है, बिल्कुल जितना करीब से मंच पर प्रयास हो सकता है, अजय अमरागी उसमें कोताही नहीं छोड़ेगा। अब क्या सुने सुने आचरण अनैतिक मरने की बातें होने लगी। सोचिएगा। चलिए अब देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा हूं द्वापर युग में उसे कहते हैं दुर्योधन। अगर दुर्योधन की बात कर रहा हूं तो बात निकल रही है, सुने सुने। ये आदरणीय छेदीलाल मौर्य जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं आई हुई हैं, कोट कोट नमन है। सुने पंक्तियां सुने। मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूं, जब उसकी बात कर रहा हूं तो मिला क्या क्या आचरण अनैतिक उसका किसी को जमाना किसी को अच्छा नहीं लगा। बुराई का प्रतीक माने ये सारा जमाना। उसे बुराई का प्रतीक मानता है ये संसार। कह रहा हूं क्रूर कर्म करता रहा किसी की न मानी और पिता को भी मुश्किल हुई इज्जत बचानी। पिता को भी अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हुई, कारण ये कि पूत तो ठीक है लेकिन कपूत ना। क्या बात है। अब राजा धृतराष्ट्र है, भरी सभा में चीर खींची जा रही लेकिन कुछ करने में असमर्थ है। तो सुने एक बात ला रहा हूं, पिता को भी मुश्किल हुई इज्जत बचानी। तो नारी नारी की आबरू पे द्रौपदी पे नारी की आबरू पे ढाता कहर है। दुर्योधन हंस रहा है, दुशासन चीर हरण कर रहा है। तो सुने सुने नारी आप रूपे वो धाता कहर है। और नंदिनी जी करनी तो पुत्र की करनी तो पुत्र की पिता रहे भर है। अब धृतराष्ट्र यानी अंधे के तो अंधे होते हैं, अब उसमें उनका क्या दोष था। द्रौपदी ने जब दुर्योधन को गिरता हुआ देखा तो उन्होंने यही कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, अब वहां धृतराष्ट्र का क्या दोष था। लेकिन उन्हें भी द्रौपदी ने अंधा कह दिया। तो सुने सुने करनी तो पुत्र हो नारी आप रूप
प्रयास कर रहा हूँ। सुने कि जब प्रभु राम को पता चला कि विभीषण को ब्राह्मणों ने बंदी बना लिया, जब ब्राह्मणों ने बंदी बना लिया, इस बात की जानकारी प्रभु राम को हुई तो कहना पड़ा क्या, अपना के उसके सर पे राम परम पिता है, समझ लीजिएगा प्रभु परम पिता है, और विभीषण को जब बंदी बना लिया गया तो कहना पड़ा अपना के उसके सर पे रख दिया था अपना कर अपना हाथ, विभीषण को भेजा लंका राजा बना कर। और जब राजा बनाया गया तो हुआ क्या, ब्राह्मणों का लेकिन वही विभीषण, ब्राह्मणों का लेकिन हो गया वो बागी, हाथों से हत्या हुई ब्रह्म हत्या लागी। ओ अगर राम है तो राम परम पिता है, देखिएगा बात ला रहा हूं, मुश्किल हुआ उसका करना बसर, क्योंकि जिसे ब्रह्म हत्या लगेगी वो सुख से कहां रह सकता है, बिल्कुल नहीं, मुश्किल हुआ उसका करना बसर है। ओ अगर परम पिता राम हुए तो कहना पड़ा क्या, पुत्र तो है करता लेकिन, पुत्र तो है करता लेकिन पिता रहे भर है, पुत्र तो है करता लेकिन पिता पुत्र की करनी पिता रहे भर है। और यही हुआ, विभीषण ने जो कार्य किया था उसका पश्चाताप प्रभु राम ने किया है। क्या ये रहा आपके गीत का यथाशक्ति जवाब।